एक छोटी सी मन की बात जो हम आज आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, यूं ही बैठे बैठे, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस हमारे मन में आया जो अभी हमने कहीं जाना समझा, जो हमें लगता है कि होना चाहिए जीवन में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। आपको बोलने से ज़्यादा सुनना आना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलना जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये भी जानते हैं कि उन्हें सुनना आता है, उन्हें लगता है कि वो अच्छे श्रोता है, होते नहीं है। अपने जीवन में अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको सुनना और समझना बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। अगर ये आपको आता है, आप फायदे में रहेंगे हमेशा। अगर ये आपको नहीं आता है, आपके अंदर ईगो ज़्यादा है, या किसी भी कारण से आप बोलते तो बहुत हैं, जानते भी बहुत हैं जो आप कह देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते, आप सुन नहीं पाते, आप देख नहीं पाते, आप महसूस नहीं कर पाते कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, आप में वो संवेदना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आप अपने संबंधों को खो देंगे। और अपने जो ये बाहर की दुनिया है, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी संवेदना बहुत ज़रूरी है। संवेदना का मतलब हर चीज़ को फील कर पाना, हर चीज़ को बिल्कुल जैसे जिस लेवल पे वो है उस लेवल पे फील कर लेना। जैसे कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो लोग दूसरों के परेशान देखते हैं, दूसरों को तो परेशान हो जाते हैं, उनके इमोशंस को वैसे का वैसा फील कर पाते हैं, वो लोग अच्छे हीलर बन पाते हैं आगे चल के। ये उनकी कमज़ोरी नहीं होती है, ये उनकी ताकत होती है। तो एक अच्छा हीलर वही होता है जो जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी पेन्स देखे हों, स्ट्रगल देखा। तो आपको एक अच्छा लिसनर और एक अच्छा हीलर बनने की ज़रूरत है। तो एक अच्छे लिसनर और एक अच्छे हीलर बनिए।